नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक सितारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तलवार के धनी महाबली भोकाल के इस शानदार कॉमिक्स को, जिसका नाम है भोकाल मेरा गुलाम। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, जो कि काफी कलरफुल और अट्रैक्टिव है। जो अन्याय को स्वीकार नहीं करते, उनके जीवन में अन्याय के विरुद्ध जंग हमेशा जारी रहती है। पाप और पापी से सदा लड़ते रहते हैं वो, महाबली भोकाल की तरह। उफ, ओह, अदृश्य होकर वार करना कायरता की निशानी है दोस्त। अगर सच्चा वीर है तो सामने आकर वार कर, अगर ऐसे ही ना काट डालूं तो भोकाल मेरा नाम नहीं आएगा। सिद्ध केतु सामने भी आएगा भोकाल, परंतु तेरे नहीं, तेरे सौ के सामने आएगा। और ऐसा अब होने वाला है, क्योंकि अब मैं तेरे विरुद्ध प्रयोग करने जा रहा हूं अपनी अमेघ शक्ति, अमोक शक्ति। अरे, ये मदमस्त कर देने वाली सुगंध कहां से आ रही है? ये मंदिर की घंटियों सा मोहक संगीत कहां से बज रहा है? ये मदमस्त कर देने वाली सुगंध मेरी देह की है सिद्ध केतु, तुम्हारे कानों में मिश्री घोलने वाली आवाज मेरे पायलों की है, और मैं हूं छन छन चंदा, चंदा नगरी की रानी सौंदर्य और यौवन की सम्राज्ञी रानी चंदा। हां सिद्ध केतु, और मेरा रूप यौवन सदा के लिए तुम्हारा हो सकता है, अगर तुम सदृश होकर भोकाल को काल के मुंह में पहुंचाकर यह सिद्ध कर दो कि तुम सा वीर इस पृथ्वी पर कोई नहीं। ऐसा तो समझ लो कि तुम मेरी हुई चंदा। मैं सदृश होकर अभी भोकाल की गर्दन को अमोक शस्त्र से काट देता हूं। ओह मूर्ख, मैं जानती थी कि अगर सदृश होकर मृत्यु भी सामने आए तो। आह, मेरे भोकाल के हाथों तो वो भी मारी जाए। तुमने जो मेरी सहायता की उसके लिए धन्यवाद चंदा। मुझे धन्यवाद नहीं, तुम्हारा प्रेम चाहिए मेरे प्रिय भोकाल। मुझे वरण करके मुझे धन्य करो प्रिय। नहीं, तुमने भोकाल पर जो उपकार किया है उसके लिए भोकाल तुम्हें अपने प्राण तो दे सकता है रानी चंदा, परंतु तुम्हें अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकता। नहीं भोकाल, रुक जाओ, मेरे प्रेम को इस तरह ठुकरा कर ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ भोकाल। ओफ स्वप्न, फिर वही स्वप्न जिसमें भोकाल ब्रह्मांड की सबसे अधिक सुंदर स्त्री को ठुकरा कर उसकी सुंदरता के घमंड को चूर चूर करके चला गया। अमावसा, समाप्त कर अपनी दुष्ट शक्तियों का ये खेल, बांध कर मुझे अपनी स्वप्न दुष्टा शक्तियों से ऐसे स्वप्न दिखाना। कर देती हूं, अभी ऐसे स्वप्न दिखाना बंद कर देती हूं, लेकिन क्या तुम मुझे यहां से मुक्ति देकर अपने रूप की गर्वपूर्ण संतुष्टि करना बंद कर देगी और मुझे वो रूपक मणि दे देगी, तेरी सगई बहन होने के नाते जिस पर मेरा भी समान अधिकार है? बोल, दे देगी? नहीं देगी, तू मुझे रूपक मणि नहीं देगी, क्योंकि तू कभी नहीं चाहेगी कि उस मणि की सहायता से ब्रह्मांड में तेरे सिवा कोई और भी चिरायु रूप और यौवन की मलिका बन सके। तेरी सगी बहन अमावसा भी नहीं। मत दे, मैं भी तुझे चैन नहीं लेने दूंगी। तुझे हर क्षण ऐसे स्वप्न दिखाती रहूंगी, इतु रूपवान होते हुए भी अपने रूप को कोसेगी। वकाल के द्वारा ऐसे तिरस्कार करती रहूंगी मैं तेरे रूप का। अब मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी, तुझे मार डालूंगी। मूर्खों की तरह व्यवहार मत कर चंदा। तूने मुझे महान तांत्रिक विराट पास की सहायता से यहां अपने शयन कक्ष में कैद अवश्य कर रखा है, परंतु तो मुझे समाप्त नहीं कर सकती। मेरी शक्तियां अभी भी इतनी सक्रिय हैं कि वे मुझे हर संकट से बचाए रख सकती हैं और वार भी कर सकती हैं। ओह, अब तुम मूर्खता करने लगे अमावसा। तुझे भी पता है कि जब तक रूपक मणि मेरे पास है, तब तक तुम जैसी सैकड़ों कुरूपा मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या हम एक दूसरे के साथ सौदा नहीं कर सकती? सौदा? कैसा सौदा? एकाएक गजब की मिठास भर गई चंदा के स्वर में। देख बहना, मुझे भोकाल चाहिए और तुझे रूपक मणि। तूने ऐसी सैकड़ों शक्तियां सिद्ध कर रखी है जो कुछ भी कर सकती हैं,
वो तो विराट पास के कारण तेरे शक्तियां तेरे अपने लिए काम नहीं आ सकती, परंतु तू अपनी शक्तियों का उपयोग मेरे लिए आराम से कर सकती है। स्पष्ट शब्दों में कहूं तो अपनी शक्तियों की मदद से मुझे भोकाल दिला दे, मैं तुझे रूपक मणि दे दूंगी। सच? तो मुझे रूपक मणि दे देगी, मैं भी सुंदर हो जाऊंगी। बिल्कुल, तो ठीक है, मुझे रूपक मणि देने की और भोकाल को अपना बनाने की तैयारी कर। मेरी अवगुणी शक्तियों के बल पर शीघ्र ही तेरे कदमों में पड़ा होगा भोकाल। स्त्रियों के साथ शतरंज खेलना आसान नहीं है स्वामी, क्योंकि स्त्रियां चाल के साथ साथ अपनी सुंदरता का दांव भी चलाती है। संभालिए, सही कहा, परंतु अगर स्त्रियों के साथ खेलने वाली अपनी एकाग्रता स्त्री की सुंदरता की जगह खेल पर बनाए रखे तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस तरह ओह, रहने दो रूपसी बहन, ये ऐसे पुरुष है जिन पर अपनी सुंदरता का कोई भी दांव नहीं चलने वाला। सही कहा, लेकिन तुम दोनों की सुंदरता। चंदा की सुंदरता के आगे छटाक भर भी नहीं है, इसलिए चंदा का रूप कभी भी किसी भी पुरुष से इस तरह मात नहीं खा सकता। रानी चंदा, तुम यहां कैसे? क्या तुम्हें हमारे पहरेदारों ने नहीं रोका? उन्होंने रोकने का प्रयत्न तो किया था, लेकिन मेरे रूप के सम्मोहन में ऐसे फंसे कि अपने सूझबूझ भी खो बैठे, और मैं आराम से तुम्हें ये बताने यहां आ गई कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो प्रिय भोकाल, इसलिए मुझ जैसा सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य भी तुम्हारे पास होना चाहिए। क्या तुम्हें स्वीकार है? कदापि नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जैसे आई हो वैसे ही वापस लौट जाओ, क्योंकि पिछले प्रयासों की तरह तुम्हारा यह प्रयास भी सफल नहीं होने वाला, और मैं तुम्हें अपना बनाकर यहां से ले जाने आई हूं प्रिय भोकाल, और आज लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि मैं यहां अकेले नहीं भ्रष्ट जीवनी शक्ति के साथ आई हूं। भ्रष्ट जीवनी शक्ति के उस चमत्कार ने भोकाल रूपसी और सलोनी को मानो जड़ कर दिया था। ओह नहीं, सारी शतरंज जीवित हो गई। उफ, ओह, ये शतरंज तुझे मेरा गुलाम बनाएगी। बुड़ुम, विद्युत के उस प्रहार ने सलोनी रूपसी को एक तरफ और भोकाल को जीवित शतरंज में उछाल दिया। बधाई हो भोकाल, तुझे मेरा बनाने का प्रयास शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते ये प्यादे अपने हाथ में मौजूद चमकीली रस्सियों की सहायता से मुझे फंसा लेना चाहते हैं। मुझे इन सबसे एक साथ बचना होगा। बनकर भोकाल, ये चमकीली रस्सियां मुझे छू भी नहीं पाएगी, और ना ये प्यादे। प्यादे के खत्म होने के साथ ही भोकाल ने अपनी मुसीबत बढ़ा ली। भड़ाक, उफ, ये ऊंट था जो तिरछी चाल चलकर मेरे पास पहुंचा। ढाई घर फलांग कर घोड़े ने भी अपनी दुलतिया भोकाल के सीने पर जड़ दी। उफ, और जैसे भोकाल गिरा वैसे ही ओह, रानी राजा और वजीर एक साथ मुझ पर किरणें छोड़ रहे हैं। तो क्या वे मुझे मारना चाहते हैं? नहीं, उनके हाथों से मार देने वाली किरणें नहीं, बल्कि जकड़ देने वाली किरणें छूट रही हैं, क्योंकि उनकी किरणें जैसे ही मेरी तरफ बढ़ते ऊंट पर पड़ी, वो जड़ हो गया। मैं भी उसी तरह जड़ हो जाऊंगा अगर मैं उन किरणों के चपेट में आ गया तो। उफ, घोड़ा फिर ढाई घर कूद कर मुझ तक पहुंचा। हमें स्वामी की रक्षा करनी चाहिए। रूपसी आओ। ओह, मेरे और मेरे वकाल के बीच में मत आओ चुड़ैलो, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकती। बुरी तरह चीख कर दूर जा गिरी दोनों, और इधर तड़प कर गिरा भोकाल। उफ, घोड़ा मुझ पर प्रहार करके मुझे बेहाल कर देने और राजा रानी वो वजूद मुझे फंसा लेने की फिराक में है। तलवार मेरे हाथ में है नहीं जो मैं उन पर प्रहार कर सकूं। कैसे निपटूं इनसे? एक रास्ता है, बिल्कुल आसान, शतरंज खेलने जैसा। मैं बीच से हट जाता हूं, इस तरह वजीर रानी और राजा की सीध में मैं नहीं घोड़े और ऊंट होंगे। वाह भोकाल वाह, तुम्हारी इसी वीरता और साहस पर चंदा तुम पर मरती है, लेकिन अफसोस, मुझे तुम्हारी वीरता और साहस को तुमसे अलग करना होगा, क्योंकि इन्हीं के कारणों तक
आज तक तुम मेरे नहीं बन पाए हो। चंदा द्वारा उछाला गया वो मोती कब भोकाल की पीठ से जा चिपका भोकाल को पता ही नहीं चला। अब मैं इसी तरह रानी वजीर और राजा को समाप्त करके चंदा को मात दूंगा। अरे ये क्या, इस बार उन तीनों ने जो किरणें छोड़ी है वे आश्चर्यजनक रूप से मुड़कर मेरी तरफ आ रही है। उफ, और फिर वे किरणें भोकाल की तरफ ऐसे खींची चली गई जैसे लोहा चिंबक को खींचता है। और फिर ओफ, इन किरणों के मेरे शरीर से टकराते ही मैं बुरी तरह जड़ हो गया हूं। बस भोकाल, बस इसी के साथ तुम्हारा मेरे शिकंजे से बचे रहने का प्रयास समाप्त हो गया। अब तुम मेरे हो, क्योंकि कुछ ही क्षणों में ये किरणें तुम पर पूरी तरह हावी होकर अदृश्य करके तुम्हें चंदा नगरी के मेरे उस कक्ष में ले जाएगी जहां तुम्हें मेरे साथ सदा रहना है। लेकिन ये किरणें ऐसा करें उससे पहले मुझे यहां से जाना होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे स्वागत के लिए अपने उस कक्ष को सजाना है जिसमें मेरा और तुम्हारा प्रथम मिलन होगा। ओफ, चंदा का यहां से जाना सिद्ध कर रहा है कि उसे अपने शक्ति पर बहुत भरोसा है। हो भी क्यों ना, उसने मुझे निर्जीव पत्थर की भांति जड़ जो कर दिया है। इन किरणों के घेरे में तिल भर भी नहीं हिल सकता मैं, जो पता नहीं कैसे एकाएक मेरी तरफ खींचती चली आई, जबकि कुछ क्षण पहले वे मेरे पास फटक भी नहीं रही थी। भोकाल जो सोच रहा था उसका जवाब रूपसी और सोलोनी के पास था। उस मोती के कारण ही स्वामी जड़ किरणों में फंस गए। अगर हम उस मोती को स्वामी के शरीर से अलग कर देती तो वो सामान्य हो सकते थे, परंतु हम ऐसा कर कैसे सकती हैं? इस जीवित शतरंज में तो बाहर से कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। उफ, उफ, इस शतरंज में प्रवेश करने की सोचना आत्महत्या करने के समान है। हमें कुछ और सोचना होगा। जो सोचना है अतिशीघ्र सोचो सलोनी। देखो, स्वामी का पूरा शरीर धीरे धीरे अदृश्य होता जा रहा है। अगर वो पूरी तरह अदृश्य हो गए तो हम स्वामी को कभी ना पा सकेंगी। ऐसा नहीं होगा रूपसी, ऐसा नहीं होगा। हिरनी की चपलता दिखाकर सलोनी ने अपना धनुष बाण संभाला। और अगर चंदा द्वारा बाहर से फेंका गया मोती इस जादुई शतरंज के अंदर मौजूद स्वामी तक पहुंच सकता है, तो इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां शेयर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।